मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें हम तिल गुड़ खाते हैं, फसलें काटते हैं, तभी तो लोहड़ी और पोंगल भी मनाया जाता है इस दिन, और खूब सारी पतंगे उड़ाते हैं। पतंगे उड़ाते हैं तो उससे हमें तो हर्ष उल्लास होता है, लेकिन जो पक्षी हैं वो बेचारे कट जाते हैं, मर जाते हैं, उनके पैरों में मंजे फंस जाते हैं, वो पेड़ों से उल्टे लटकने लग जाते हैं बेचारे, और काफ़ी इंसान भी मारे जाते हैं इस पतंगों के चक्कर में। कुछ तो छतों से गिर जाते हैं, कुछ के गलों में जो है ये मंजे अटक जाते हैं तो इंसान भी मर जाते हैं। हम कोशिश करें कि पतंगे थोड़ी कम उड़ाएं, ताकि ये जो खुशी का माहौल है वो दूसरों के लिए तकलीफ दे ना हो जाए। ये जो मासूम से कबूतर देख रहे ना आप हमारे पीछे, ये रोज हमारे घर खाना खाने आते हैं, पानी पीने आते हैं, इनके लिए दानों के कटोरे रखे हुए हैं, और यहाँ से नहीं मैंने कई सारे कबूतरों को पकड़ा है, उनके पैरों के मंजे निकाले हैं। वो बाहर बड़े बड़े पेड़ हैं ना, वहाँ से कौवे बचाए हैं मंजों से लटके हुए। फिल्म सिटी में चील को बचाया है, और मतलब क्या है हमारा थोड़ा सा जो मजाक है, मस्ती है, वो औरों को तकलीफ दे, ये ठीक है क्या? हम क्या कुछ कम पतंगे उड़ा सकते हैं क्या? हम कुछ कम हम वो कांच वाला मंजा अगर इस्तेमाल ना करें तो कैसा रहे? थोड़ी कम तकलीफ होगी, तकलीफ खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम तो हो जाएगी कम से कम, है? कर सकते हैं क्या हम ऐसा? कोशिश करें और दायित्व को समझें अपनी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमें कोई घायल चिड़िया पक्षी मिल जाए तो हम आंख बंद करके मूंद के आगे ना बढ़ जाएं, उसकी मदद करने का प्रयास करें, उसको उठा के गत्ते के डब्बे में रखें, उसके घाव पे थोड़ी दवाई लगाएं, कुछ नहीं तो हल्दी ही बुरक दें। एनिमल और बर्ड हेल्पलाइंस को फोन करें, बताएं उनको कि ऐसा एक पक्षी मिला है हमें, हम उनका क्या कर सकते हैं, और हमें गाइड करें, हम खुद दवाई लगा लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं जो अगर घाव बहुत बड़ा है, पर अगर कट बढ़ गए हैं बिल्कुल, तो वो तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, वो हमें एनिमल और बर्ड हेल्पलाइन वालों से मदद लेनी पड़ेगी, उनके पास या जाके दे देना पड़ेगा पक्षी को, ताकि वो उसकी हालत सुधार सके, या फिर उनको बुलाना पड़ेगा अगर हम खुद नहीं जा सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करें ना, कितनी अच्छी दुनिया है ये, खुशहाल बरकरार सी रहेगी अगर हम थोड़ा सा समझ बूझ के काम करें तो, है ना? मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, ये दिन बहुत शुभ हो और सभी के लिए शुभ हो।